हेलो नमस्कार। हम लोग आज फिजिक्स का एक टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो एक्चुअली दो भागों में बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स उसे बोलते हैं जो नॉलेज 1900 से पहले ऑब्टेन किया गया है, मीन्स जो नॉलेज 19वीं शताब्दी से पहले हासिल किया गया था उसे हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और जो नॉलेज 19वीं शताब्दी से बाद जो हासिल किया गया था उसे हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो बस यही क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में अंतर था। अब फिजिक्स के कई ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिक्स, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इसके भी फर्दर कई ब्रांचेज हैं, इसके जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में अंतर समझ गए, और ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो ये 5 ब्रांचेज। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैकेनिक्स देखिए, इधर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक में बांटा गया है। डायनेमिक को दो, स्टैटिक और काइनेटिक में बांटा गया है। इसको आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में।